नमस्कार, सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे भाग्य का खेल की एक नई कहानी। रतनपुर गांव का रहने वाला सरजू एक बहुत ही सीधा साधा युवक था। सरजू गांव में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, उसके पास अपना कोई खेत खलियान नहीं था। पूरा दिन गांव में छोटे मोटे काम करता। जिस दिन कोई काम नहीं मिलता, वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके उन्हें बेचता। इस तरह उसका गुजर बसर चल रहा था। कुछ ही दिनों में सरजू का ब्याह हो गया। उसकी पत्नी सोनावती एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। सारे गांव वाले कहते थे कि इस अभागे सरजू के भाग्य में इतनी सुंदर और सुशील लड़की का होना एक चमत्कार ही है। सरजू भी कई बार सोचता कि सच में उसके भाग्य में सिर्फ गरीबी ही लिखी है, पर वो कभी कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। गरीब सरजू अपनी पत्नी को सभी सुख सुविधाएं देना चाहता था, पर घोर निर्धनता उसे कुछ नहीं करने देती। वो इसी सोच में दुबला होता जा रहा था कि कब उसके भाग्य में अपनी पत्नी को सुख देना आएगा। एक दिन सोनावती ने सरजू से पूछा, आप हर समय किस सोच में डूबे रहते हैं? सरजू ने उदासी भरे स्वर में कहा, सोना, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता को गहनों से और वस्त्रों से सजा नहीं पा रहा। तुम्हारा सौंदर्य जिन गहनों और प्रसाधनों का अधिकारी है, वो तुम्हें नहीं दे पा रहा। सोनावती ने बड़े ही प्रेम से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? स्त्री का आभूषण तो उसकी मांग का सिंदूर है। मेरे सुख तो आपके होठों की हंसी में है। आप बिना कारण ही अपने आप को दुखी करके मुझे भी दुखी कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहुत ही खुश हूँ। संसार के सारे सुख मुझे आपके प्रेम के रूप में मिल जाते हैं। सरजू अपनी पत्नी की बातों से कुछ संतुष्ट तो हुआ, पर उसके मन में ये कसक अभी भी थी, पर वो कर क्या सकता था? अंदर ही अंदर कुर्ता सरजू अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा था। दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर पहुंचता। पर अगर किसी दिन वो अच्छी मजदूरी कमा लेता तो अपनी पत्नी सोनावती के लिए कुछ ना कुछ पकवान, जलेबी या कोई भी खाने की चीज जरूर लाता था। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। सरजू अपने साथियों के साथ महाजन के खेत में मजदूरी कर रहा था। तब उनमें से एक ने कहा, भाई, करवा चौथ आने वाला है, मेरी पत्नी ने इस बार जरी की साड़ी मांगी है। दूसरा बोला, साड़ी तो मेरी पत्नी भी मांग रही है, मैंने तो 4 महीने से ही पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। अब साड़ी लेने जाऊंगा। सही कह रहे हो भाई, साल में एक बार तो साड़ी देनी ही चाहिए। सरजू चुपचाप वहां खड़ा था। उसके दिमाग में सोनावती की तस्वीर घूमने लगी। वो सोचने लगा, इस बार करवा चौथ पर सभी अपनी बीवियों को नई नई साड़ियां दे रहे हैं। जब मेरी सुंदर पत्नी फटी पुरानी साड़ी में घर से निकलेगी तो कैसा महसूस करेगी? बेचारी बहुत ही शर्मिंदा होगी। ये सोचकर सरजू की आंखों में आंसू बहने लगे। अचानक ही उसे एक उपाय सूझा। उसके पास एक सुंदर सा तंदुरुस्त बछड़ा था। अगर उसे पशु बाजार में बेच दूं तो जरूर ही एक अच्छी साड़ी के लिए रकम तो मिल ही जाएगी। फिर उसकी पत्नी भी करवा चौथ पर नई साड़ी पहन सकेगी। ऐसा विचार आते ही उसने महाजन से अगले दिन की छुट्टी ले ली। वो घर पहुंचा और खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे ही बछड़े को लेकर चल दिया। सोनावती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इस बछड़े को बेचने जा रहा हूँ। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? आकर बताऊंगा। फिर सोनावती ने ज्यादा कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। वो देख रही थी कि रात से ही उसका पति किसी उलझन में था। सरजू सोच रहा था कि अचानक ही साड़ी देखकर उसकी पत्नी कितनी खुश होगी। उसका वही खुशी भरा चेहरा तो वो देखना चाहता था। वो चल पड़ा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा। जल्दी ही वो पशु बाजार पहुंचा और संयोग से जाते ही उसे एक ग्राहक भी मिल गया, जो बछड़े के अच्छे दाम देकर बछड़े को ले गया। सरजू पैसे लेकर बाजार की तरफ चल दिया, जहां से उसे खरीदनी थी। वो बहुत ही खुश था। जल्दी ही वो बाजार पहुंचा।
त्योहारों का मौसम था तो बाजार में भी बहुत भीड़ भाड़ थी। वो भीड़ को चीरता हुआ तेज कदमों से साड़ी की दुकान पर जा पहुंचा और जल्दी ही एक साड़ी उसे पसंद आ गई। परंतु जब वो दुकानदार को पैसे देने लगा तो यह क्या, उसके पैसों की थैली तो उसके पास थी ही नहीं, शायद भीड़भाड़ में किसी ने उसके पैसे चुरा लिए। दुकानदार ने उसको घूर कर देखा तो सरजू ने कहा, साहब लगता है किसी ने भीड़ में मेरे पैसे चुरा लिए, और वह रोने लगा। वो बेचारा थकाहारा घर वापस चल दिया। सोचने लगा कि उसके भाग्य में पत्नी को साड़ी देना था ही नहीं। बहुत धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ वो शाम तक घर पहुंचा। उसका मुरझाया चेहरा देखकर सोनावती समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। उसके पूछने पर सरजू ने उसे पूरी बात बता दी और बिलख बिलख कर रोने लगा। अब उसका धैर्य टूट चुका था। सोनावती ने उसे हौसला दिया और कहा, कोई बात नहीं, अगले साल आप मुझे नई साड़ी दिलवा देना। फिर खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन महाजन के खेतों पर काम पूरा हो चुका था, अब उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था। सो उसने सोचा कि कल से ही कुछ लकड़ियां लेकर बेच आता हूँ। उसने अपने लिए खाना और पानी लिया और निकल पड़ा। जंगल में उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, फिर दोपहर के समय खाना खाकर एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए सुस्ताने लगा। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्हें बहुत ही प्यास लग रही थी, परंतु आसपास कहीं पानी नहीं मिला। सरजू को देखकर उन्हें लगा कि शायद उसके पास पानी होगा। साधु ने सरजू को जगाया और बोला, बेटा अगर तुम्हारे पास पानी है तो मुझे पिला दो। सरजू को साधु पर दया आ गई और उसने साधु को पानी भी पिलाया और जो दो रोटियां उसके पास बची थी वो भी खिला दी। खाना खाकर और पानी पीकर साधु बहुत ही खुश हुआ और सरजू से बोला, बेटा इस भीषण गर्मी में पानी पिलाकर और खाना खिलाकर तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। क्या मांगूं बाबा, मेरे भाग्य में तो बस दुख ही लिखे हैं। सुख हाथ में आकर भी निकल जाता है। तब सरजू ने बाबा को अपनी आप पीती सुनाई। सरजू की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटा भाग्य के भरोसे मत रहना, तुम मेहनत करते रहना और तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा कहते हुए साधु बाबा ने एक अंगूठी निकाली और सरजू को देते हुए कहा, ये अंगूठी मुझे एक राजा ने दी थी, पर मुझे साधु का इससे क्या मतलब। तुम इसे रख लो, इसे बेचकर काफी धन मिल जाएगा और तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। सरजू ने बहुत ही खुशी से वो अंगूठी रख ली और अपने गमछे में बांध ली। वो साधु अपने रास्ते चला गया। सरजू ने भी अपनी लकड़ियां इकट्ठी की और वापस गांव की तरफ चल दिया। वो बहुत ही खुश था। कुछ देर चलने पर सरजू को प्यास लगने लगी, परंतु उसने अपना सारा पानी तो साधु को पिला दिया था, पर प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। सरजू ने पास में ही बहने वाली एक नदी की तरफ अपना रुख कर लिया। वो तेजी से नदी की तरफ बढ़ने लगा। जल्दी ही वो नदी के किनारे पर पहुंचा और पानी पीने लगा। अचानक उसका गमछा नदी में गिर गया। सरजू ने बड़ी ही फुर्ती से अपना गमछा पकड़ा, परंतु उसने देखा कि गमछे में वो अंगूठी नहीं थी। सरजू एक बार फिर मायूस हो गया कि उसके हाथ में आया हुआ सुख एक बार फिर से निकल गया और वो अंगूठी नदी में गिर गई। दुखी मन से वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसने सोनावती को सारी बात बताई। सोनावती के पास उसको दिलासा देने के अलावा कोई और रास्ता ना था। अगली सुबह सरजू फिर से काम पर निकल गया और गांव के ही एक सेठ के यहाँ उसे खेत में काम मिल गया। वो सेठ भी बहुत दयालु था। उसने पूरी मजदूरी शाम को ही मजदूरों के हाथों में थमा दी। आज अच्छे पैसे मिल गए थे तो सरजू ने सोचा, क्यों ना अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने के लिए लेता चलूं। सोना को मछली बहुत ही पसंद थी तो उसने बाजार से एक बड़ी सी मछली खरीद ली और घर आकर सोना को देते हुए कहा, आज रात के खाने में इसे बना लो। उसकी पत्नी ने जैसे ही उस मछली को पकाने के लिए उसे काटा, उसके अंदर से एक बेशकीमती अंगूठी निकली।
वो दौड़कर सरजू के पास गई और उसे अंगूठी दिखाई। सरजू ने चौंक कर कहा, अरे ये तो वही अंगूठी है जो साधु बाबा ने मुझे दी थी और नदी में गिर गई थी। इस मछली के पेट में से वो मुझे वापस मिल गई। अगले दिन सुबह सरजू वो अंगूठी बेचने के लिए चला तो पत्नी ने कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों अंगूठी को बेचने के लिए एक सुनार के पास गए और अच्छे दामों पर उस अंगूठी को बेच दिया। अंगूठी बेचकर जो भी धन मिला, सरजू ने उससे एक खेत खरीद लिया और उसके बाद दोनों पति पत्नी का गुजारा अच्छे से होने लगा। कुछ समय बाद उनके एक संतान हुई और पूरा परिवार बहुत ही सुखी था। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, भारत के मिजोरम राज्य के छोटे से गांव में एक अंग्रेजी पति पत्नी रहते थे। पहाड़ों से घिरे इस गांव की खूबसूरती को देख यहां पर घर बसाने का फैसला कर लिया। पति का नाम पीटर व पत्नी का नाम एलिना था। उन्होंने इस खूबसूरत गांव में अपने लिए एक शानदार महल जैसा घर बनवाया। पूरे घर में कई कमरे थे और घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर चाकर भी थे। घर की साफ सफाई के लिए नौकर, बाग बगीचे के लिए माली और खाना बनाने के लिए बावर्ची, कपड़े धोने के लिए भी, यानी हर काम के लिए एक अलग नौकर था। उस गांव में उनका रुतबा भी बहुत अच्छा था। एलिना को ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना बहुत अच्छा लगता था। इस कारण वो जिधर से भी निकलती उधर से ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी। अक्सर उसका पति पीटर सैंडल की आवाज से अंदाजा लगा लेता था कि वो किधर है और क्या कर रही है। एलिना को नौकरों का आपस में ज्यादा हंसना बोलना पसंद नहीं था। उसे अपने नौकरों की आस पड़ोस के नौकरों से दोस्ती भी पसंद नहीं थी। उसकी आदत के मुताबिक सभी नौकर हरदम चुपचाप रहते थे और अपने अपने काम में लगे रहते थे। एलिना हमेशा अपने खाना बनाने वाले बाबरची की तारीफ करती थी। वो पीटर से कहती थी कि बाबर जी हमेशा समय पर खाना बना देता है और उसका बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट भी होता है। वह कहती है उसने आज तक इस जैसा बाबरची नहीं देखा जो काम में खूब चुस्त हो और अपने मालिकों का वफादार हो। पीटर अक्सर घर के बाहर के कामों में व्यस्त रहता था। दोनों पति पत्नी अपने घर में बहुत खुश थे। एक दिन पीटर ने एलिना से कहा कि चलो तुम तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर चलता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने हमें खाने पर बुलाया है। ये सुनकर एलिना बहुत खुश हो गई और वो फटाफट तैयार होने चली गई। कुछ ही देर में तैयार होकर आ गई और उसने अपने पसंदीदा ऊंची एड़ी वाली सैंडल पहन ली। उन दोनों का कमरा घर में थोड़ा ऊपर था और सीढ़ियों से चढ़ना उतरना पड़ता था। ली तैयार होकर अपने कमरे से निकली और जैसे ही वह सीढ़ी पर उतरने लगी उसका पैर लड़खड़ा गया। गनीमत है कि वह सीढ़ियों से गिरी नहीं, लेकिन उसका पैर मुड़ने से पैर में भयंकर मोच आ गई। एलिना दर्द के मारे चिल्लाने लगी। तब पीटर उसे उठाकर कमरे में ले गया। अब एलिना का घर में चलना फिरना बंद हो गया। गांव में से एक वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य ने सलाह दी कि जब तक एलिना ठीक नहीं हो जाती उसे पूरी तरह से आराम करना चाहिए। साथ ही एलिना को ऊंची एड़ी की सैंडल तो बिल्कुल ही नहीं पहननी है, बल्कि उसकी जगह एक मखमली चप्पल पैरों में पहननी होगी। वैद्य जी की हिदायत के अनुसार अब वो नर्म मखमली चप्पलें पहनने लगी। इन चप्पलों के कारण अब उसकी ठक ठक की आवाज बंद हो गई। अब वो मखमली चप्पल पहनकर ही घूमती फिरती थी। एक दिन एलिना दोपहर को अचानक रसोई घर में गई तो वो हैरान हो गई कि उसका बाबरची पड़ोसी की नौकरानी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। एलिना थोड़ा छिप कर खड़ी हो गई। उसने देखा कुछ ही देर में पड़ोसी की नौकरानी थैला भरकर चीनी और घी उसके यहाँ से लेकर चली गई। एलिना को समझ में आया कि क्यों कुछ दिनों से उसकी रसोई में खाने चीनी का सामान जल्दी खत्म हो रहा है। वो बड़ी परेशान सी रहने लगी। उसे मन ही मन बाबरची पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगी कि मैं बेकार ही इस बाबरची को बहुत ईमानदार और वफादार समझती थी। एक दिन एलिना शाम के वक्त अपने आंगन में घूम रही थी, तभी उसे कमरे में से कुछ आहट की आवाज सुनाई दी। एलिना ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ।
एक नौकरानी जो एलिना के कमरे की साफ सफाई करती थी। वह एलिना के कपड़ों और गहनों को पहनकर शीशे के सामने बैठी है और खुद को देखकर बहुत खुश हो रही है। एलिना वहां से परेशान होकर चली गई और कुछ देर में अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर रांगन तक आई। उसने देखा कि सभी नौकर जाकर अपने अपने काम में लग गए थे। उसे यूं महसूस हुआ कि वह चक्कर खाकर गिर जाएगी। अब उसे समझ में आने लगा कि उन मखमली चप्पलों के कारण किसी नौकर को उसके आने की खबर नहीं लगती थी, जबकि सैंडल की ठक ठक से उसके नौकर समझ जाते थे कि मालकिन आ रही है और वह अपना काम मुस्तैदी से करने लगते थे। अगले ही दिन एलिना ने ये सारी बातें पीटर को बताई। पीटर ने ऐसे बेईमान नौकरों को उसी दिन नौकरी से निकाल दिया और नए नौकरों को काम पर रख लिया। अब एलिना घर में हमेशा मखमली चप्पल ही पहन के रखती थी, जिससे कि वह अपने नौकरों पर निगरानी कर सके। यह मखमले चप्पलें उसके पैरों को तो आराम दे ही रही थी, साथ ही घर के नौकरों से काम भी करवा रही थी। धन्यवाद। एक समय की बात है, मेघालय के एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी आय का एकमात्र साधन उसकी दुकान थी। उसका इकलौता बेटा था बेयन। बेयन अब बड़ा हो रहा था। वह बहुत ही आज्ञाकारी था, परंतु अभी वह इतना बड़ा नहीं हुआ था कि अपने बारे में खुद ही निर्णय ले सके। व्यापारी विधुर था और उसकी पत्नी अपने बेटे को जन्म देने के बाद चल बसी। वो व्यापारी दिनों दिन बूढ़ा होता जा रहा था और उसे हमेशा ही यह डर लगा रहता कि पता नहीं कब उसकी सांस रुक जाए। इसलिए एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेयन मेरे प्रिय पुत्र, वह दिन कभी भी आ सकता है जब मैं अचानक संसार से विदा ले लूं, तब तुम्ही को दुकान संभालनी पड़ेगी। जो भी हो तुम कड़ी मेहनत करना, नहीं तो तुम अपने भरण पोषण का इंतजाम नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन सुखी हो, इसलिए तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे तीन वचनों का पालन करोगे। क्या तुम कर पाओगे? आज्ञाकारी बेयन ने कहा, जरूर पिताजी, आप कहिए मुझे क्या करना होगा। तब पिता ने कहा, पहला वचन, घर और दुकान के बीच में धूप में नहीं चलना। दूसरा वचन, दोपहर के खाने में केवल चावल ही खाना। और तीसरा वचन, जब भी तुम विवाह करो तो हर सप्ताह एक नई पत्नी लेकर आना। एक आज्ञाकारी बेटे की तरह बेयन ने अपने पिता के तीनों वचनों को पालन करने की स्वीकृति दे दी, किंतु उसने अपने पिता से कहा कि मैं आपके सभी वचनों का पालन करूंगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इससे मेरी सहायता कैसे होगी। तब पिता ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, अभी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो व्यापारी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। एक दिन दुकान से लौटते ही उसकी मृत्यु हो गई। गांव की प्रथा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेयन अब बड़ा हो चुका था। उसे पिता के दिए हुए तीनों वचन याद आ गए, घर और दुकान के बीच में धूप में नहीं चलना। बेयन को ये समझ में नहीं आया कि उसके पिता का क्या तात्पर्य था। दुकान घर से बहुत दूर नहीं थी, इसीलिए घर से दुकान तक पूरी गली में उसने त्रिपाल की छत बनवा दी। इससे पूरी गली में घर से दुकान तक छाया हो गई और दिन में किसी भी समय उसे दुकान तक धूप में नहीं जाना पड़ता था। ये त्रिपाल की छत बनवाने में उसका काफी धन खर्च हो गया, इसलिए बेयन के दोस्त भी उसकी इस फिजूल खर्ची पर उसका मजाक उड़ाने लगे। बेयन सिर्फ इतना ही कहता कि मैं तो अपने पिता को दिए हुए वचन का पालन कर रहा हूँ। इसके बाद उसे पिता को दिया हुआ दूसरा वचन याद आया कि दोपहर के खाने में सिर्फ चावल ही खाना। बेयन को इसका पालन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, परंतु कुछ ही दिनों में वह इससे ऊबने लगा। कभी उसके दोस्तों ने उसे अपने घर पर निमंत्रण दिया तो उसने वह निमंत्रण ठुकरा दिया। वह मन ही मन सोचता कि अगर उन्होंने चावल के अलावा कुछ और परोस दिया तो मैं अपने पिता को दिए हुए वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा। उसने कभी भी अपने दोस्तों को पिता को दिए हुए वचन का रहस्य नहीं बताया। अब बारी थी तीसरे वचन की। जब बेयन ने अपना विवाह करने का निर्णय लिया, अनेक अविवाहित लड़कियों के माता पिता उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन बेयन की शर्त सुनकर वह हैरान रह गए। बेयन उनसे कहता कि मैं आपकी बेटी से शादी तो करूंगा, किंतु केवल एक सप्ताह के लिए ही वो मेरी पत्नी रहेगी। लड़की के पिता ये सुनकर क्रोधित हो जाते और निराश होकर वापस चले जाते। बेयन की इस अजीब सी शर्त से दुखी होकर लड़कियों के पिता दूर ही रहने लगे।
जल्दी ही पूरे शहर में वो मजाक का एक कारण बन गया। उसी शहर में रहने वाली एक लड़की थी मरियम। मरियम ने भी बेन की इस अजीब शर्त के बारे में सुना, परंतु वो ये सोचती थी कि वो अपने पिता को दिए हुए वचनों के लिए कितना पक्का है, और वो बेन की इस बात से बहुत प्रभावित भी थी। उसने बेन से विवाह करने का निर्णय लिया और अपने माता पिता से यह बात कही। उसके माता पिता उसकी इस बात से बहुत ही डर गए और बोले, एक सप्ताह के बाद ही वह तुम्हें निकाल देगा तो तुम्हारा क्या होगा? बेवकूफी की बातें मत करो मरियम, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरा अच्छा लड़का ढूंढ देंगे। मरियम के माता पिता ने बेन को अपने घर पर आमंत्रित किया और उसे मरियम से मिलवाया। मरियम की सुंदरता और उसके मधुर व्यवहार से बेन बहुत ही प्रभावित हो गया। बेन ने मरियम के पिता को अपने तीनों वचनों के बारे में बताया और कहा कि मैं अपने पिता को दिए हुए वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, आप घबराओ नहीं। बड़ी ही धूमधाम के साथ उन दोनों का विवाह कर दिया गया। बेन के सभी दोस्त शादी में शामिल हुए और मरियम के माता पिता ने भी बड़ा ही धूमधाम से राजसी भोज दिया। तब बेन के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि कितने दुख की बात है जब एक सप्ताह के बाद मरियम को वापस जाना पड़ेगा। मरियम ने सप्ताह के सातों दिन अपने पति की खूब सेवा की और उसके साथ बहुत ही प्यार से रही। सातवें दिन दुकान से वापस आने पर बेन परेशान सा दिखा। पढ़ने लगा तो मरियम ने उसे देख लिया, लेकिन वो घर का सारा काम इस तरह करती रही मानो कुछ हुआ ही नहीं। बेन ने मन में सोचा, कल मुझे अपनी पत्नी को निकाल देना है, मैं अपने पिता के दिए हुए वचन को पूरा जरूर करूंगा। परंतु इस विचार से रात भर उसे नींद नहीं आई और वो परेशान ही रहा। सुबह हुई बेन अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने मरियम से कहा, क्या तुम तैयार हो मरियम? मरियम ने कहा, मैं आज कहीं नहीं जा रही हूँ। तब बेन ने कहा, मुझे तुम्हें घर वापस ले जाना है, तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने पिता को वचन दिया था, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। तब मरियम ने कहा, कितने मूर्ख हो तुम, तुम्हारे पिता कितने ज्ञानी और कितने उदार थे, भला सोचो वो कोई भी वचन तुमसे क्यों लेंगे जिससे कि शहर भर में तुम्हारा मजाक बने। तब बेन ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है मरियम? तब मरियम ने कहा, सुनो, जब तुम्हारे पिता ने कहा कि तुम्हें धूप में दुकान पर नहीं जाना है, तो उनका मतलब था कि तुम सूर्य उदय से पहले अपनी दुकान खोल दो और सूर्य अस्त के बाद ही उसे बंद करके घर लौटो। वो चाहते थे कि सारा दिन दुकान पर काम करो, पर तुमने क्या किया? तुमने घर से दुकान तक पूरी गली में त्रिपाल की छत लगवा दी और कितना सारा धन बर्बाद कर दिया। तुम भी कितने बड़े मूर्ख निकले। मरियम थोड़ी देर के लिए चुप रही और फिर से बोली, उन्होंने कहा था कि दोपहर में केवल चावल ही खाना, ठीक है ना? क्योंकि वो जानते थे कि चावल बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं और हजम करने में भी आसान रहते हैं, ताकि तुम्हारा हाजमा ठीक रहे और तुम्हारा समय भी बचे। वो नहीं चाहते थे कि तुम अनसंत चीजें खाने की बुरी आदत पालो। परंतु तुमने क्या किया? तुमने अपने दोस्तों के घर भोजन के निमंत्रण को ही ठुकरा दिया। अब बेन पूरे ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। वो जानना चाह रहा था कि तीसरे वचन के बारे में वो क्या कहेगी। तब मरियम ने उसे समझाया कि तुम्हारे पिता तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहते थे कि तुम अपनी बीवी को बहुत ही प्यार से देखो और उसे बहुत ही प्यार से रखो। यदि तुम अपनी पत्नी को उतने ही प्यार से हर रोज देखोगे जैसा कि तुमने उसे पहले दिन देखा था, तो हर रोज वो तुम्हें एक नई पत्नी लगेगी। उनका सीधा सा मतलब ये था कि पति पत्नी में ऐसा प्यार बना रहे कि उन्हें हर दिन नया दिन लगे। मरियम की बातें सुनकर बेन खुशी से मुस्कुरा उठा और उसने कहा, मरियम, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बुद्धिमान हो। मैं अब तुम्हें कभी भी तुम्हारे घर वापस नहीं भेजूंगा और तुम हमेशा के लिए मेरी प्यारी पत्नी बनकर रहोगी। बेन और मरियम आठवें दिन से प्यार और सुख के साथ सदा के लिए एक साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।